इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि अगर आपके मोबाइल के अंदर 1.5 GB नेट पड़ा है और 2 से 3 घंटे फ़ोन को यूज करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर 50% का मैसेज आ जाता है, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर जो 50% नेट है खत्म हो चुका है। अगर दोस्तों आप इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ सेटिंग बताई है, अगर दोस्तों आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई कर दे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके मोबाइल के अंदर जो 50% नेट है काफ़ी देर तक चलेगा, यानी कि जो 50% नेट आपका 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कम से कम आपको 50% नेट 7 से 8 घंटे में ख़त्म होगा। तो दोस्तों अगर आपको सेटिंग के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सेटिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर एक लोगो दिखाई पड़ेगा, आपके जीमेल का जो लोगो है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको पर सेटिंग दिखाई पड़ेगी, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आपको पर दिखाई पड़ा होगा नेटवर्क प्रेफरेंस, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, इन तीनों ऑप्शन में आपको सेटिंग को अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर सबसे नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट होता है आस्क मी एवरी टाइम, अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होता है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको डन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप डन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सामने कुछ इस तरह से 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर यह वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, यानी कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल के अंदर ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के अंदर ऐप अपडेट होता रहेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जो ऑटोमेटिक वीडियो प्ले हो जाती है, तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल के अंदर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, डो नॉट ऑटो प्ले वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको डन पर क्लिक करना है। इतना काम करने के बाद आपका जो प्ले स्टोर की सेटिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों आपको बैक आना है। जैसे दोस्तों आप बैक आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपका होम पेज दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप यूट्यूब ऐप को ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह से यूट्यूब ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको यूट्यूब ऐप में भी सेटिंग को अप्लाई करना होगा, जैसे कि दोस्तों आपका जो नेट है कम खर्च हो। तो सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोस्तों आपको सबसे ऊपर आपके जीमेल का लोगो दिखाई पड़ा होगा, यानी कि जो आपको इस तरह से आइकन दिखाई पड़ा है आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको दूसरे नंबर पर दिखाई पड़ेगा डाटा सेविंग, आपको ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपको डाटा सेविंग मोड को ऑन करना है। जैसे दोस्तों आप उसे ऑन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सारी सेटिंग ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसे बैक करना है। अब आपको तीसरे नंबर पर दिखाई पड़ेगा ऑटो प्ले, आपको ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा मोबाइल फोन टैबलेट, आपको इसको भी ऑफ कर देना है। यूट्यूब ऐप में इतनी सेटिंग करने के बाद अब आपको कोई भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ से सीधे बैक आ जाना है, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर और यूट्यूब की दोनों सेटिंग कंप्लीट कर लेते तो 100% मैं गारंटी करता हूं कि अगर आपका जो नेट 2 से 3 घंटे में 50% का मैसेज शो दिखाई पड़ता था, अब दोस्तों वो मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आपने सेटिंग को कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि दोस्तों जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।